संगीत रागी जी भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर जो सीए का विरोध करते हैं वो एक सांस में सीए मतलब हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को धार देना, ये आरोप क्यों? देखिए, चूंकि मूलतः जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, जो हमारे पड़ोस के माइनॉरिटी हैं, वो विक्टिम्स कौन हैं, तो विक्टिम से मूलतः जो इंडिक रिलीजन्स के हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों या फिर क्रिश्चियंस हो सकते हैं, चूंकि ये लोग विक्टिम्स हैं। और चूंकि हमारे यहाँ पास पड़ोस में सराउंडिंग्स में जो ऐसे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हम जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या अब 23% से कहाँ आकर के टिक गई है, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कहाँ से आकर के कहाँ टिक गई है, अफ़गानिस्तान के हालात से हम परिचित हैं, बहुत सारे अफ़गानिस्तान के मुस्लिम लोग भी जो हैं वो भारत के अंदर भारत की नागरिकता पा करके और भाग करके आकर के उनको भी यहाँ पर शरण दी गई है। हमने खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रहते हुए कई लोगों को बचाया है और उनको यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने में हम लोगों ने मदद भी की है, भागने। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि भाई सीए ये उनके लिए है जो दूसरे देशों के नागरिक है, जो भारत में आकर शरण लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो एक देश की राजनीति है और देश की राजनीति का एक धर्रा है जो देश के नागरिक को, जिसमें वो देश के नागरिक जो मुसलमान हैं उनको डर दिखाने का काम करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस पर कहीं ना कहीं रोशनी डालें, ये भ्रम की राजनीति है। देखिए, ये दो हिस्से हैं, एक जो अवैध तरीके से भारत के अंदर आ रह रहे हैं उनसे तो पूछा ही जाना चाहिए भाई हमारे यहाँ क्यों आए ना, और उसमें बांग्लादेशी लोग भी हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। जो हिंदू हैं, जो लोग यहाँ नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, यदि आवेदन उनकी सरकार मान लेती है तो वो भारत के नागरिक होंगे। जिनको भारत सरकार मानती है कि वो अवैध तरीके से 30 साल के हों या 40 साल के हों या कितने भी जनरेशन से रह रहे हों, लेकिन वो अवैध तरीके से भारत के अंदर जो आ करके रह रहे हैं उनको बाहर के अंदर से बाहर भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, ये तो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है और ये कांग्रेस की राजनीति को बड़ा इसको सुकून पहुंचा। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कमोबेश वे सारे के सारे, उनको लगता है कि हमको हिंदू जो मुस्लिम वोट हैं उस पर हमारा एकदम पूरा से पूरा अधिकार होना चाहिए। अब आप देखिए, और शायद इसी वजह सर वो माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक मैसेजिंग और ऐसी खतरनाक मैसेजिंग, जल्दी से सर उसके बाद मैं आगे। आरजेडी से मुस्लिम वोट बैंक को आप खत्म कर दीजिए, आरजेडी की जमीन खिसक जाएगी। अखिलेश यादव से और बीएसपी से मुस्लिम वोट बैंक को खत्म कर दीजिए, उनकी जमीन को। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी पसमांदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनको लगता है कि पसमांदा मुसलमान जो है खिसक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है, ये सारे विपक्षी दल जो है वो चिल्ला चिल्ला करके आगे सामने। ये आपने क्या बात कर दी, ये तो दिखता ही नहीं है ना अन्य दलों को कि पसमांदा मुसलमानों को लेकर किस तरीके की आउटरीच बीजेपी की तरफ से की जा रही है, सूफी संवाद के जो कदम बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो नजर नहीं आता है। आदल साहब, आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी के पास चलना जरूरी है, क्योंकि इंसानियत का मुद्दा और उस इंसानियत के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान ये राजनीति कर रही है। सर रोमाना जी, बहुत दुखद है, हम आपके पॉलिटिकल शो में जो बात कह रहे थे संगीत भाई ने वही बातें खाई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जी, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पड़ोस के जो देश हैं उन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं जी, जाहिर सी बात है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वहाँ मुस्लिम तो अल्पसंख्यक होगा नहीं, दूसरे ही अल्पसंख्यक होंगे, उनको अगर भारत में नागरिकता दी जाने की बात की जा रही है, इसमें किसी को निकालने की नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो दूसरी चीज़ है, माफ़ कीजिएगा, और किसी भी सार्वभौम देश को यह हक है कि हमारे नागरिक कौन हैं। और आज हम इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसको राहत दी जाए, उसको यहाँ बसने का अधिकार है, लेकिन अपना भाई अगर कहीं बगल के देश में प्रताड़ित है तो उसे भारत में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि संसद से यह कानून पास हो चुका है। और कोई भी कानून जो पास हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत वक्त होता है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो देखिए संसद से पास हुआ कानून तो लागू होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सर यही मैंने भी पहले कहा था, जल्दी से अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं, मुझे लगता है चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और
नए आयाम की तरफ इसको लेकर जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।